अरमान जिस गुफा में गया था वहां बुआ और दूसरे दानव पहले से मौजूद थे। अरमान ने उनके सामने देखा तो दूसरे दानव उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़े और तभी अरमान ने अपनी आंखें बंद कर फिर से खोली। फिर अरमान मुस्कुराते हुए बिना हिले वहीं खड़ा रहा और जैसे ही दानव उसके करीब पहुंचे एक बड़ा झटका खाकर नीचे गिरे। अरमान ने उस गुफा में एक दिव्य रक्षा कवच बनाया था जिससे कि वो राक्षस वहां से भाग न सके। अरमान बुआ की ओर देखता है और फिर वहां से अपनी मशाल लेकर चला जाता है। गुफा में फिर से अंधेरा हो जाता है। दूसरी तरफ आयशा उज्जैन के उन पहाड़ों में सारे दानवों को काम करता देख रही थी, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि उसका दिमाग किसी और जगह था। वो शायद ये सब जो उसके साथ हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने अपनी बुआ का कटा सिर और अरमान का वो गुस्से से लाल चेहरा नजर आ रहा था। आयशा मन ही मन अपने आप को ये भरोसा दिला रही थी कि जिससे उसने प्यार किया था वही उसके और उसके लोगों की मौत का कारण भी है, पर उसका दिल मानो जैसे उस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। आयशा एक पत्थर पर बैठ अपने अंदर इन सवालों की जंग लड़ रही थी। उसके दिमाग में अपने पिता का मकसद तो आता ही था, पर उसके साथ साथ अरमान की आंखों की वो तीव्रता भी वो भुला नहीं पा रही थी। तभी उन्हीं दानवों में से एक बूढ़ी राक्षसी उसके पास आई और वहां पर उसके पास आकर बैठ गई। वो बूढ़ी राक्षसी इन सभी दानवों में सबसे बड़ी और ज्यादा भयानक लग रही थी, पर उसकी आंखें जैसे बहुत सारा दुख छुपा रही थी। आयशा उसे देख के थोड़ा घबराई, पर फिर उसकी आंखें देख शांत हो गई। वो बूढ़ी औरत ने आयशा से पूछा, कालराज की संतान हो? हाँ। जब सवालों का भंवर दिमाग को खराब करने लगे उन सवालों को बाहर फेंक देना चाहिए। मतलब? आयशा ने बूढ़ी राक्षसी से पूछा। मतलब अपने अंदर जो सवाल आ रहे हैं मुझसे पूछो, क्योंकि यहाँ हो रहे इस पूरे तामझाम में हम दोनों ही हैं जो एकदम शांति से बैठे हुए हैं। हाँ, उस बूढ़ी राक्षसी ने समझाते हुए आयशा से कहा, आप कौन हैं? अभिशता, तुम मुझे शापिका भी कह सकती हो। शापिका? हाँ, मुझे शाप दिया गया है कि जब तक पूरा काल के वंश खत्म नहीं होता मुझे जीना होगा, और वो भी इस बढ़ती उम्र के साथ। पर अमर होना तो अच्छी बात है। आयशा के इतना बोलते ही शापिका उत्तेजित हो जाती है। बिल्कुल नहीं, अमर होने से बड़ा शाप इस दुनिया में और कुछ नहीं। पहले पहले थोड़ा अच्छा लगता है, पर जैसे जैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपने मरने लगते हैं, तुम अपने आप को कोसना चालू कर देते हो, और अपनों के जाने के बाद तुम एकदम अकेले हो जाते हो, एकदम अकेले, और आखिर में एक जिंदा लाश बनकर यहां से वहां भटकते हो, जैसे मैं भटक रही हूं। शापिका की आंखों में थोड़े आंसू आ गए। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वासन दिया। शापिका ने अपने आप को और फिर कालराज को देखा। आज तुम्हारा बाप जो दुनिया में सबसे ताकतवर बनने की बात कर रहा है एकदम मूर्ख है, वो भी मेरी ही तरह एक शाप को गले लगाने जा रहा है। आयशा शापिका को देखकर जिज्ञासा से बोलती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे कहो, क्या जानना चाहती हो? ये मिश्रित खून क्या है? कौन है जो देवों के साथ मिलकर सब दानवों को मार रहा है? कौन है ये नहीं जानती, पर एक है जरूर,
वो जानती हूँ। आज से काफी साल पहले माया नाम की एक राक्षसी को एक देव से प्यार हो गया था। जब ये बात माया के बाप को पता चली, उन्होंने माया को मारने की कोशिश की, और तभी उस देव ने आकर माया को बचाया था। उस लड़ाई में माया का बाप मारा गया। माया ने उस देव के साथ शादी कर ली, पर उसके बाद देवों और दानवों में ज्यादा तनाव होने लगा। माया और उस देव की जो संतान हुई वो है मिश्रित खून। काफी कम दानव और बहुत कम देव उसके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि वो दुनिया में शांति लाएगा और दानवों और देवों की इस लड़ाई को खत्म करवाएगा। चुप हो जा शापिका, अपनी तरह मेरी बेटी को भी पागल बनाना चाहती है। कालराज पीछे से आके उसे टोकते हैं। कालराज, मैं तो बस उससे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें लगता है कि वो मिश्रित खून एक गंदी नस्ल दुनिया में शांति लेकर आएगा? कालराज का ये क्रोध देख सारे राक्षस डर से उनके सामने देखने लगते हैं। क्या जानना चाहती हो आयशा, मुझसे पूछो न कि एक पागल से। बताओ मुझे क्या जानना है तुम्हें। वो पापा क्या आयशा? उसके बाप ने तुम्हारी माँ को मारा था। तुम जानती हो तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारी माँ एक दूसरे संतान को जन्म देने वाली थी, और तभी एक रात तुम्हारी माँ और उस आने वाली संतान को। ये कहकर कालराज एक पत्थर पर मुक्का मार उसे तोड़ देता है और शांत होकर आसमान की ओर देखता है। आयशा ने उसके पीठ पर हाथ रखा और कालराज को हिम्मत दी। आयशा, मैंने उस दिन से तय कर लिया था कि मैं अब ऐसा मेरे एक भी दानव के साथ नहीं होने दूंगा। इस दुनिया में शांति तभी बन सकती है जब लोग आपकी बातों को समझे, सुने, और वो करने के लिए आपको सबसे ताकतवर बनना पड़ता है। इस दुनिया को चलाने के लिए एक ही दिमाग चाहिए, लोगों का संचालन करने के लिए उनके ऊपर कोई तो होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली है। सभी दानव ये सुनके कालराज की हिम्मत बढ़ाते हुए एक नए जोश के साथ उसका जयकार करने लगे। दानवराज की जय हो, दानवराज की जय हो। आयशा ने उन सब की ओर देखा और फिर अपने पिता के चेहरे की ओर। कालराज के चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कान थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। अरमान एक दिव्य द्वार से कुछ देवों के साथ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर सारे दानव उन पर टूट पड़े। अरमान ने उसकी तरफ आ रहे दानवों को अपनी खड़क के दो वार से दूर फेंक दिया। उसने पिंजरे में बंधे इंसानों और जानवरों की ओर इशारा कर दो देवों को उन्हें ले जाने को कहा। दो देव उन्हें वहां से लेकर फिर से अपने दिव्य द्वार में चले गए। दानव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर रोक नहीं पाते। आयशा ने ये देख अपने पिता की ओर देखा। कालराज की आंखें लाल हो गई थी। उसने आयशा को पीछे रहने का इशारा करके एक बड़ा पत्थर उठा के अरमान की ओर फेंका। अरमान ने एक मुक्के से उसे तोड़ दिया और फिर अरमान ने अपनी खड़क से एक तेज रोशनी सबकी तरफ फेंकी, जिससे सबकी आंखें चौंध गई। और तभी वो आयशा को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा और आयशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अरमान ने उसे अपने दिव्य कवच से बांध दिया। अरमान ने आयशा को अपनी बाहों में उठाया और दिव्य द्वार की ओर भागा। वो जैसे ही अपने दिव्य द्वार के पास पहुंचा, सांप के मुंह वाली एक काली रस्सी ने उसके पैर को जोर से जकड़ लिया। वो रस्सी कालराज ने उसकी ओर फेंकी थी। उस रस्सी के आगे बना सांप, जिसके मुंह में अरमान का पैर चला जाता है, और उसके काटने से अरमान जोर से चिल्लाया। आयशा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अरमान के लिए अभी भी थोड़ा दर्द दिखता है। कालराज उस रस्सी को जैसे ही अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तभी एक खंजर से वो अजीब रस्सी टूट गई और अरमान आयशा को लेकर वहां से भाग गया। वो खंजर शापिका ने चलाया था।
कालराज गुस्से से उसकी ओर देखता है। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी, फिर नाचने लगी। कालराज ने उसका चेहरा धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसका चेहरा उसके शाप के कारण फिर से उसके धड़ से जुड़ गया और वो फिर हंसने लगी। अरमान आयशा को लेकर उस गुफा के पास आता है, लेकिन आयशा का चेहरा अभी भी उखड़ा उखड़ा सा है। अरमान गुफा के बाहर से अपनी मशाल लेता है और आयशा को लेकर अंदर जाता है। अरमान, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। आयशा, सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैंने कह दिया ना, मुझे कहीं नहीं जाना। अरमान उसकी ओर देखता है और फिर उसे अपने कंधे पर उठा के गुफा में ले जाता है। अरमान, नीचे उतारो मुझे, अरमान। आयशा बोलती रहती है पर अरमान उसकी बात नहीं सुनता। गुफा की सारी मशालें जलती है और वो आयशा को नीचे उतारता है। आयशा सामने की ओर देखती है तो उसकी बुआ खड़ी हुई है। उन्हें देखकर आयशा खुश हो जाती है। अरमान आयशा के आसपास बना दिव्य कवच खोलता है और गुफा में बना कवच भी खोलता है। आयशा दौड़ के सीधे अपनी बुआ के गले लग जाती है और खुशी के मारे वो रोने लगती है। बुआ भी उसे देख के खुश होने लगती है। बाकी के दानव भी वहीं पे खड़े हुए इस नजारे को देखते हैं। अरमान ने गुफा के उस भाग में अभी भी दिव्य कवच बनाया हुआ है। बुआ को कस के गले लगाने के बाद आयशा अरमान की ओर देखती है। देखो आयशा, मैं नहीं जानता कि कालराज ने तुमसे क्या कहा है, पर वो जो भी करने जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। तुम मानो या ना मानो, पर मैं इस दुनिया में शांति चाहता हूँ। इसलिए आज तक मैंने जिन जिन दानवों का मुकाबला किया है उन्हें कभी नहीं मारा। मुझे लगता है कि शांति की असली शुरुआत मुझसे ही होनी चाहिए। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पापा का तुम्हारी माँ को मारना गलत था। उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। उसके अलावा मैं अभी और कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बस ये भरोसा दिला सकता हूँ कि उन्होंने जो गलती की है वो मैं कभी नहीं करूंगा। क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? आयशा उसकी ओर देखती है और बोलती है, तुमने मुझे कभी सच में प्यार नहीं किया, है ना? तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो मेरे पापा को डराने के लिए, है ना? नहीं आयशा, मैं मानता हूं कि मेरे सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, पर मैंने उसको कभी हमारे प्यार पर हावी नहीं होने दिया। मैं तुम्हें सच में चाहता हूं आयशा, और कालराज को रोकना जरूरी है। वो शांति के नाम पे पूरी दुनिया तबाह कर देंगे। हमारे पास और वक्त नहीं है। उन्हें और विनाशकारी को उसे वरदान देने से रोकने का एक ही तरीका है, दिव्य जीव। मैं जानती हूं उसके बारे में, पर वो उसे ढूंढेंगे कैसे? उसे ढूंढना नहीं है, वो। अरमान के इतना बोलते ही एक बड़ा सा खंजर उसके हाथ की बाजू से होकर गुजरता है और वो जख्मी हो जाता है। आयशा पीछे मुड़ के देखती है तो बुआ ने उस पर यह खंजर चलाया था। बुआ दूसरा खंजर उसे मारने के लिए चलाती है। अरमान उससे बचने की कोशिश करता है पर उसका कंधा जख्मी हो जाता है। आयशा बुआ को रोकती है। बुआ, एक बार सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो तुम्हें तुम्हारे बाप को मारने के लिए भड़का रहा है और तुम अभी भी उसकी बात सुनना चाहती हो। ये बहुत चालाक है, झूठ बोल के तुम्हें अपने वश में कर रहा है। नहीं बुआ, पर आयशा के इतना बोलते ही पीछे खड़े दानव हल्ला मचा देते हैं और अरमान के जख्मी होने के कारण उसका बनाया हुआ रक्षा कवच कमजोर हो जाता है। पीछे खड़े दानव एक साथ मिलकर उसे तोड़ देते हैं और अपने अपने हाथों में खंजर लेकर अरमान को मारने के लिए दौड़ते हैं। आयशा अरमान की ओर देखती है। क्या अरमान अपने आप को बचा पाएगा? क्या आयशा अरमान पे भरोसा करेगी? ये दिव्य जीव का राज क्या है? क्या कालराज अपने मकसद में कामयाब होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए।